पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर रेशियोज यूजफुल, ठीक है ना। व्हाट व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड व्हाट एंड फॉर व्हाट रीजन जी। कौन कौन बताएगा ये? सर, आपने ही हमें बताया था कि तीन तरीके के रेशियो होते हैं हमारे पास। लिक्विडिटी रेशियो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। तो ये सारे रेशियोस हमें एनालाइज करने में मदद देते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। इसलिए हम रेशियोस को यूज करके पता करते हैं कि कंपनी किस पॉइंट पे स्ट्रांग है और किस पॉइंट पे वीक है। तो ये जो ग्रुप्स आपने बताए हैं, ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं और ये जो जो ग्रुप्स हैं वो क्या, मतलब उससे क्या पता चलता है हर ग्रुप से? लिक्विडिटी रेशियो जैसे मैंने आपको बताया, उससे पता चलता है कि कंपनी कितने रिस्क में है और कितने रिस्क में नहीं है। यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू एसेट रेशियो उसका क्या है, उससे पता चलता है कि वो अपनी लाइबिलिटीज कैसे पे ऑफ कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू इस एसेट्स। उससे हमें लिक्विडिटी रेशियो पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी का क्या रेशियो मतलब है? कि जब फर्म लिक्विडेट होगी तो अपनी लाइबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करेगी। लिक्विडेट तो कितने होती हैं कंपनीज? लिक्विडेट का तो मामला नहीं आता ना। हम यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियोज से हम क्या नजर, कैश कन्वर्जन पावर हाँ, सर, कैश कन्वर्जन बेसिकली, तो हाउ क्विकली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट कैश। तो वो कैश कन्वर्जन जो है वो जरूरी क्यों है, कैश कन्वर्जन? स्ट्रेंथ पता चलती है ना कि कैश कैश वो आइटम है जो जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो उसी से हम एनालाइज करने में हमें आसानी रहती है। तो जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज्यादा हम जो स्ट्रांग इसका होंगे। इसका ये जवाब है ना कि जब आपके पास कभी भी शॉर्टेज हो जाती है कैश की, जैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है, तो कैश हर वक्त जी चाहिए होता है। तो आपके पास ऐसे एसेट्स होने चाहिए कि जिससे आप कन्वर्ट कर लें कैश में इजीली ना। तो अगर वो नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी फाइनेंसिंग की, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, और कैश जो है हम ये कहते हैं इट्स अ ब्लड, लाइक अ ब्लड होता है, जैसे खून दौड़ता है, ऐसे कैश जो है आपको चाहिए होता है, डेली रिक्वायरमेंट है आपकी। तो अगर किसी पॉइंट पे भी कैश कम हो गया तो आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए कि जिससे यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश बेसिकली। तो इस वजह से जो है ना, लिक्विडिटी रेशियोज बड़े इंपॉर्टेंट है, सही ना। और जी बताएं दूसरा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, सॉल्वेंसी रेशियो होता है, टर्नओवर होते हैं और अर्निंग रेशियो होते हैं। जो टाइप्स ऑफ ये रेशियोज हैं जो हमें इन्होंने सारे हाँ, मांगे थे जो टर्नओवर हमने निकाल रेशियोज लिए। किससे क्या मालूम टर्नओवर होता से ये पता चलता है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर की अगर बात की जाए कि कितने टाइम्स इन्वेंट्री को हम टर्नओवर कर रहे हैं ना ईयर, है? जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जो है वो डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री को, तो हमें पता चलता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारी उसको हम कितनी दफा टर्नओवर कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टर्नओवर होते इससे क्या हैं, मालूम होता है? अच्छा इससे ये टर्नओवर है तो पता इससे चल रहा क्या है। क्या अच्छा आपको, टर्नओवर है, बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि हम एक ही दफा अगर टर्नओवर करेंगे तो पूरे साल में हमने एक ही दफा इन्वेंट्री बनाई और एक ही दफा सेल आउट की, लेकिन वही इन्वेंट्री अगर हमने 10 दफा सेल की तो उसके अंदर भले मार्जिन कम हो लेकिन टर्नओवर की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। टर्नओवर को एफिशिएंसी भी कहते हैं ना। तो जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना ही आप जो है सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है जी इसको एसेट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी को भी कह सकते हैं। तो आपने एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। वो जो हमने रोलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आपका टर्नओवर ज़्यादा होता है तो आप रोल ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो वही एक ही अमाउंट ऑफ रिसोर्स में यू कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स, सही है। तो इस जी वजह से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये दो रेशोज हो गए, एक तो एफिशिएंसी हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, जो सॉल्वेंसी टर्नओवर से रेशियो, आता है, एक लिक्विडिटी होती है, और इसके अलावा क्या है, अर्निंग एक डेट रेशियोस, में। हाँ, अर्निंग अर्निंग रेशोस अर्निंग जैसे अभी रेशोज, प्रॉफिट 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 प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। एरिया। अच्छा, ओके। तो चलें, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसका जो है मकसद क्या है। इसके अलावा क्या है, तीसरा ये हो गया, बाकी कौन कौन से हैं? सॉल्वेंसी हाँ, लिक्विडिटी सॉल्वेंसी जिसको में क्या है, तो थोड़ा सा सॉल्वेंसी में सर हमें पता चलता है कितने परसेंट हम फाइनेंस हुआ हुआ है हमारा एसेट्स बताएं। और कितने परसेंट हमारी इक्विटी जो है वो, यानी कि परसेंटेज ऑफ डेट्स एंड इक्विटी अगेंस्ट एसेट्स जो है हमारी सॉल्वेंसी को डिसाइड करती है। अगर हमारी मोर देन 50% डेट्स हैं तो हमारा रिस्क ज्यादा हो गया, अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, तो सॉल्वेंसी हमारी जो वो तो कम डेट हो गई। डेट ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है?
सर केस टू केस वेरी करता है ये, किसी केस अच्छी में बात अच्छा कब है, होता है बुरी बात किसी कब के। है? अच्छी बात तब है जब हमें आगे जो है वो ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हो और हम डेट के अगेंस्ट जो है डेट की कॉस्ट कम पे कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। और अगर हमें डेट की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है और अर्निंग कम हो रही है वो हमारे लिए लॉस की बात है। तो डेट जो है वो सिचुएशनल है बेसिकली, यू कैन नॉट से एब्सोल्युटली कि वो डेट बेहतर है या नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लेकिन एक चीज़ एब्सोल्यूट प्लस है, एक चीज़ जी एब्सोल्यूट है प्लस डेट के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि डेट जो है चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, डेट रिस्क बढ़ा देती है, ठीक है ना? तो ये एब्सोल्यूट है। तो असल में हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो एक एब्सोल्यूट मेजर ले रहे हैं, क्योंकि अगर 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 सिचुएशनल होता ना तो फिर ये मेजर नहीं लेते, क्योंकि जिसके लिए अच्छा होता है उसके लिए डेट रेशियो अच्छा ही बन जाता है। तो हम ये कहते हैं कि डेट जो है वो इंक्रीज द रिस्कीनेस ऑफ द बिजनेस। तो अच्छा हो या बुरा हो, रिस्कीनेस बढ़ जाती है, बिकॉज अगर आप टाइम जीरो पे खड़े हैं, आपको नहीं मालूम टाइम वन में क्या है, तो अच्छा भी होगा, यानी कि जब आपकी डेट होगी तो अगर अच्छे चांस होंगे तो वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर बुरे होंगे तो वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो रेंज है वो जो ROE की रिस्किनेस वो चेंज हो जाएगी। तो होगा क्या कि रिस्किनेस बढ़ जाएगी, रिस्किनेस इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन ऑफ इनकम। तो डेट जो है वो इनकम की वेरिएशन को बढ़ा देती है, और इसकी वजह क्या होती है, बिकॉज उसका फिक्स नेचर होना, क्योंकि डेट के अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है तो इसको फिक्स नेचर कहते हैं। मैं सिर्फ इसको जो है ना ब्रॉडली स्पीकिंग लीवरेज पर भी हम कह सकते हैं, एनीथिंग दैट कॉज अ लीवरेज विल इंक्रीज द रिस्किनेस। लीवरेज सिर्फ डेट से नहीं होता है, एनी एनी आइटम इन योर इनकम स्टेटमेंट जिसका नेचर फिक्स हो वो लीवरेज क्रिएट कर देती है। लीवरेज दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज एंड अदर वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। तो जो डेट जो है इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेशन ये आपका लीवर बढ़ा देती है, इसकी इसका जो है फ्लक्चुएशन बढ़ा देती है। लेकिन इसके अलावा भी होता है, लाइक ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर अगर आपकी फिक्स कॉस्ट यानी कि ज़्यादा है, यानी आप जो है जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कॉम्पोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाती है। तो अगेन फिक्स कॉस्ट जिसमें ज़्यादा होगी तो वो उसके अंदर वेरिएशन और ज़्यादा होगी। तो सर बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी फाइनेंस लिवरेज में आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता ही फाइनेंशियल लीवरेज है ना, बिकॉज ठीक वो फिक्स है और वो इट हैज नथिंग टू डू विद ऑपरेशंस। लेकिन ना सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो लीवरेजिंग का जो इफेक्ट होता है ना, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स कर सकते हैं। एनीथिंग व्हिच इज फिक्स्ड इन योर बैलेंस शीट या सॉरी इन योर इनकम स्टेटमेंट, दैट विल क्रिएट अ लीवरेज, ठीक है ना? जब आप कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो अगर आपके ऑपरेशंस के अंदर फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट ज़्यादा है तो आपकी लीवरेज ज़्यादा है। लीवरेज आने का होने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा है तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होती रहेगी, जिसकी वजह से जो है ना आप बहुत कम कॉस्ट में चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होंगे जब ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। जब कम करेंगे तो वही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी, बिकॉज आपको फिक्स कॉस्ट इनकार करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड लीवरेज। तो इट डजन नेसेसरीली जो है ये ऑपरेट उसमें आती है, फाइनेंशियल में ऑपरेटिंग में भी हो सकती है। फाइनेंशियल लीवरेज हम इसलिए कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑपरेशन, अगर आपने इंटरेस्ट लिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली अब ओवर एंड अबव द ऑपरेटिंग लीवरेज एक दूसरा लीवरेज क्रिएट कर लेगी, जिसको फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है। क्लियर है? तो जी सर इस वजह से जो है लीवरेज की वजह से हम डेट मैनेजमेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका रिस्कीनेस बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये तीसरा तीसरा हो गया ना, बल्कि चौथा हो गया, और फिफ्थ कौन सा है? सर, पांचों बता दिए ना, लिक्विडिटी भी बता दिया, प्रॉफिटेबिलिटी भी बता दिया, सॉल्वेंसी भी, टर्नओवर भी और अर्निंग भी। लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग तो एक ही चीज़ है। वैल्यूएशन रेशियो है, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। हाँ, वो मार्केट मार्केट रेशोज है ना, मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट का रिटर्न। तो इसमें पी आता है, प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाता है, प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाता है। तो हाउ वुड द इन्वेस्टर फाइंड योर सर शेयर एक्चुअली? अर्निंग रेशियो ही तो, यही तो मैं कह रहा हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अच्छा अर्निंग अच्छा रेशियो में प्राइस टू आप अर्निंग, ओके, उस कॉन्टेक्स्ट। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी तो आपका इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और मार्केट जो है वो मार्केट वैल्यू जो है आपका जो है मार्केट रेशोज जो है वो आपकी बताती है कि आपकी इन्वेस्टर आपके बारे में ख्याल करते हैं। अच्छा, ये एक कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट क्यों है इस रेशो का? वो इस वजह से है कि वी अज्यूम के इन्वेस्टर जो है वो उनके उस उनको जो है आपकी फर्म के बारे में सही इंफॉर्मेशन मौजूद है।
तो आप जो है चीज़ें ज़्यादा छुपा नहीं सकते, तो अगर आपके चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसका इफेक्ट प्राइस पे आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, तो अगर आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज पोटेंशियल जो है कम हो रहा होगा, तो आज की प्राइस आपकी कम हो जाएगी। तो वो जो इन्वेस्टर जो है वो इस वजह से जो है वो मार्केट में आपकी जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये सारा उसी से रिलेटेड है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि वो क्या पी रेशियो क्या शो करता है, अच्छा कौन सा होता है, कम क्या होता है, क्यों पी रेशियो ज़्यादा होना जो है कंपनी के लिए अच्छी बात है। सही है ना? क्लियर? कोई बताएगा वैसे पी रेशियो के बारे में, ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? ऑफ कोर्स सर, ज्यादा होना अच्छी बात है पी रेशो, लेकिन सर दो इसमें भी केसेस है ना, इसमें भी बताए वेरी किस। करते हैं। हाँ, अब अगर फर्म प्राइस टू अर्निंग रेशो ज्यादा दे रही है, इसका मतलब कि वो एक्सपेंशन नहीं कर रही, वो प्रॉफिट को शेयर कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है। तो वो कम हो जाएगा ना, अगर अगर वो अर्निंग ज़्यादा दे रही है तो पी रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। सॉरी, अर्निंग प्राइस प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो पी तो कम हो जाएगा ना अगर अर्निंग ज़्यादा दे रही है। अच्छा, दोनों वही केसेस हैं, एक तरफ जो है ना वो अर्निंग शेयर कर देंगे और दूसरी तरफ अल्टीमेटली उनके शेयर प्राइस इंक्रीज होंगे तो वो उनको शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा अमाउंट, तो दोनों केसेस के अंदर प्रॉफिट तो है इसमें ही। इसमें वो दो केस वो ये थे कि एक तो एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा था कि अगर आपका पी रेशो कम होगा तो आप कम प्राइस पे ज़्यादा अर्निंग ले सकते हैं, तो इसका एक लॉजिक ये बन रही थी ना कि कम से कम पी रेशो अच्छा है, कि अगर किसी का पी रेशो 2 है तो दैट मीन्स कि आप 2 रुपये इन्वेस्ट करके 1 रुपया रिकवर कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक काउंटर लॉजिक ये भी थी कि नंबर वन, पहली बात तो ये है कि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि पहला तो ये कि पी रेशो में जो अभी जो करंट आपने पी और ई लिया है वो लास्ट ईयर का लिया है, तो आप जो ये अज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर एक अजम्पशन है कि वॉट एवर यू आर गेटिंग लास्ट ईयर यू विल ऑल्सो भी गेटिंग द नेक्स्ट ईयर। तो ये अजम्पशन जो है इतनी वैलिड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगले साल भी वो 1 रुपया मिले 2 रुपये इन्वेस्ट करने पे। और दूसरा ये कि लोग क्यों इसमें इसकी प्राइस जो है 2 रुपये हो गई है, इस वजह से कि इन्वेस्टर समझते हैं कि आपको अगले साल 1 रुपया नहीं मिलेगा, तभी उसकी प्राइस 2 रुपये हो गई है। ठीक है, तो वही वाली बात है, इफ़ यू हैव मोर विजडम देन द इन्वेस्टर तब तो आप ये रेशो को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है इन्वेस्टर जो है वो सही कह रहा होता है, बिकॉज मार्केट प्राइस इज़ द कम्बाइंड विजडम ऑफ द इकोनॉमी आपकी कह लें। तो अगर इन्वेस्टर ने उसको प्राइस को कम किया हुआ है तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसके कैश फ्लोज के अंदर आगे जाके, जिसकी वजह से उसकी कल के कैश फ्लोज मुतासर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज की प्राइस कम है। तो ये नहीं कह सकते कि आपके कैश फ्लो वही रहेंगे, तो एक एक लॉजिक ये है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं जितना पी ज़्यादा होगा उतना ही फ्यूचर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और हालांकि करंट के हिसाब से कम है लेकिन ज़्यादा पी रेशो वो शो कर रहा है इट्स अ ग्रोथ कंपनी, के फ्यूचर में कैश फ्लोज बढ़ेंगे। और अगर कम पी रेशो होगा तो वो ये शो करेगा कि वो इट्स अ डिक्लाइनिंग काइंड ऑफ अ कंपनी, बिकॉज आज तो कैश फ्लो ज़्यादा है लेकिन फ्यूचर में कैश फ्लो कम हो सकते हैं। सही है ना? जी ओके तो अच्छा, हमने जो है ना इसके अंदर एक चीज़ रह गई थी हमसे, वो था शायद ड्यूपोंट इक्वेशन, हमने नहीं डिस्कस की थी, शायद इसके अंदर क्वेश्चन भी आया था, जी सर है ना? तो वो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन विल बी मूविंग ऑन, दी क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो व्यू पॉइंट का जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। सर, मुझे इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आई थी, वो क्लियर कर देते हैं प्लीज। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ओके वन सर, बाय वन उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हमारा रह गया था एक्चुअली, ये इट्स अ डीकम्पोजिशन ऑफ योर आरओई। ठीक है, आरओई क्या होता है? देखे ना, आरओई जो है, दैट इज व्हाट, क्या होता है आरओई बताएं? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, हाँ, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा? सर नेट 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 इनकम, इनकम डिवाइड बाय इक्विटी टोटल इक्विटी। ये नेट इनकम अपॉन इक्विटी होता है। ठीक है, अगर हम इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, जैसे अगर हम ये कहें, इसको हम ये भी कह सकते हैं नेट इनकम अपॉन सेल्स, ना, और सेल्स अपॉन इक्विटी ये भी कह सकते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बीच में। जी जी,
कह सकते हैं सर, दूसरा नेट इनकम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नहीं होगी सर? सर नेट इनकम के लिए सेल्स के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नहीं होगी? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हम रेशियो निकाल रहे हैं ना, नेट इनकम अपॉन इक्विटी का, तो नेट इनकम अपॉन सेल्स कर दी हमने और सेल्स अपॉन इक्विटी, तो अगर हम ये देखें तो सेल्स और सेल्स कैंसिल हो जाता है तो यू गेट नेट इनकम अपॉन इक्विटी, ठीक है, तो अल्टीमेटली यू गेट द सेम थिंग। अच्छा, नेट इनकम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होने के बाद ही नेट इनकम आएगी ना, ऑब्वियसली। नेट इनकम क्या होती है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑल द अदर एक्सपेंसेस, है ना सर? सेल्स ही क्यों हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है, सेल्स क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये क्या शो कर रहा है? अगर हम सेल, अगर हम इंडिविजुअल को देखें, नेट इनकम अपॉन सेल्स देखें, तो ये क्या शो करेगा? सेल्स में कितनी इनकम कमा रहे हैं हम? जब भी कोई चीज हो जिसमें सेल्स डिनोमिनेटर में हो, तो वो चीज क्या शो करती है? मार्जिन सर, एफिशिएंसी सर। अच्छा, जैसे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है, तो उसमें क्या होता था, उसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स अपॉन रिसीवेबल। और अगर हम इसको रिसीवेबल्स अपॉन सेल कर देंगे तो क्या शो करेगा? मार्जिन शो करेगा, ठीक है ना? तो बेसिकली ये एक्चुअली ये मार्जिन आपका शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आपका जो है आप समझ लें कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हाँ, यानी उस रिटर्न, वो जो रिटर्न आ रहा है ना नेट इनकम अपॉन इक्विटी का, उसके अंदर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का परसेंट कितना है। मार्जिन जो है ना वो डायरेक्ट प्योर प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है कि भाई आपने इतनी कॉस्ट लगाई, आपका इतना बेनिफिट हुआ, इनका जो डिफरेंस होगा वो मार्जिन होगा। तो ये जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है। अच्छा, सेल्स अपॉन इक्विटी क्या शो कर रहा है? सेल्स अपॉन इक्विटी अगेन ये शो कर रहा है कि आपका वो डेट मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा सेल्स कम इक्विटी में किया है, तो दैट मीन्स के आपने डेट ज्यादा लिया है। अगर हम ये कहें सेल्स अपॉन एसेट होता टोटल, तो ये क्या कहलाता है? ये टर्नओवर कहलाता है, टोटल एसेट टर्नओवर। अच्छा, सेल्स अपॉन इक्विटी जो है वो इक्विटी टर्नओवर भी कह सकते हैं उसे, लेकिन इक्विटी टर्नओवर जो है कॉन्सेप्चुअली जो है वो कोई वैलिड इतना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इक्विटी टर्नओवर एक्चुअली वो डेट टर्नओवर बता, नहीं यूज ऑफ डेट बता रहा है। तो बेसिकली ये दो अगर हिस्सों को अलग अलग डिवाइड करें तो वन इज़ द मार्जिन एंड अदर वन इज़ द टर्नओवर। यानी कि अगर हम ये कहें कि मार्जिन कौन क्या है और इक्विटी टर्नओवर क्या है, ये दो अलग अलग आपके फिगर्स बन रहे हैं, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं इस केस के अंदर अगर कहें कि रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज़, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है या आरओई के जो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी जितने भी होते हैं वो द अल्टीमेट होते हैं। यानी कि एवरीथिंग, हर चीज़ का जो इफेक्ट, जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा होता है, ठीक है? तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर उसको कहें कि ये टोटल ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर तमाम इवेंट्स का इफेक्ट आ रहा है, तो हम उसके इवेंट को डीक्लासिफाई कर लिए दो चीज़ों से। वन इज द डेट फैक्टर और द अदर वन इज द प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर। तो हम अगर इसको इन दो रेशोस को आपस में देखें तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आरओई है ये प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ज़्यादा आ रही है या डेट मैनेजमेंट की वजह से, सही है ना? इसको फर्दर ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम ये कहें नेट इनकम सेल्स सेल्स अपॉन एसेट और एसेट ऑन इक्विटी, ये लिख सकते हैं सेल्स सेल्स कैंसिल, एसेट एसेट कैंसिल, तो आप नेट इनकम ऑन इक्विटी आ जाएगा, सही है? अब ये क्या शो कर रहा है? ये क्लियर हुई बात? ये तीसरी इक्वेशन, ये एक्चुअली यही इक्वेशन है जो यहाँ लिखी है, एसेट टर्नओवर, एसेट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, सेल्स मार्जिन और इक्विटी टू एसेट। यस, गुड। तो इसके अंदर जो है ना तीन चीजें बता रहे हैं, एक तो मार्जिन बता रहा है, दूसरा टर्नओवर बता रहा है, और तीसरा जो है वो डेट बता रहा है, टोटल एसेट टू इक्विटी। एसेट अपॉन इक्विटी क्या है? वो अगेन वो डेट मैनेजमेंट है, ठीक है? तो ये बता रहा है कि आपके जो आरओई है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो एक्चुअली तीन सोर्सेस से आ सकती है। या तो यू बिकेम लकी,
हाउ यू बिकेम लकी, आपके मार्जिन बढ़ जाए, यू डोंट हैवन डू एंड डन एनीथिंग एल्स, आपकी सडनली जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपकी ज्यादा हिट हो गई है, लोग ज्यादा ले रहे हैं, आपके मार्जिन बढ़ गए, या आपने कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी, कोई नई टेक्नोलॉजी लाई है, जो भी कुछ है, बहरहाल बहरहाल आपकी डिमांड बढ़ गई है, तो वो एक मार्जिन बढ़ सकते हैं। दूसरा दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी का एवेन्यू हो सकता है जब आप जो है वो इफिशेंटली प्रोड्यूस करें। एफिशिएंसी के लिए आपने क्या किया, टर्नओवर निकाल लिया, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है, वो एफिशिएंसी आ गई। तो और तीसरा जो है टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी है, ठीक है। अच्छा, ये आपका डेट है, तो आपको ये मालूम है कि डेट जब ज़्यादा होगा, इक्विटी मल्टीप्लायर जो लिखा हुआ, एक्चुअली ये एक्चुअली वही फोर्स मल्टीप्लायर है डेट की वजह से, जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ही आरओई की वेरिएशन ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये कहते हैं डेट ज़्यादा है तो वो वेरिएशन ज़्यादा करेगा, तो इस वजह से ये आपका यूज़ ऑफ डेट आ गया जो आरओई में आ सकता है, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है, और ये आपकी मार्जिन आ गया। तो बेसिकली दे आर थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट, ठीक है ना, डेट यूटिलाइजेशन, एसेट यूटिलाइजेशन एंड एक्सपेंस कंट्रोल कह लें उसको, मार्जिन कह लें, प्रॉफिट मार्जिन, पीएम इज अ प्रॉफिट मार्जिन। ये जो है एक्चुअली अगर इसको, ये वाला जो फार्मूला है इसको अगर आप देखें तो दिस इज प्रॉफिट मार्जिन, ये टोटल एसेट टर्नओवर है, और ये आपका इक्विटी मल्टीप्लायर है, क्लियर है। तो बेसिकली ये जो ड्यू पॉइंट है एक्चुअली ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इस ये डी से क्लासीफाई कर देता है और वो सोर्सेज बता देता है। तो अगर आप किसी भी आर ओ ई को डी से क्लासीफाई करें ड्यू पॉइंट के हिसाब से और अलग अलग उसको देखें तो यू कैन गेन के ये जो उसकी रिटर्न है वो किस वजह से आ रहे हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं, इसमें शायद उनकी एग्जाम्पल दी हुई हो। ये जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी है, आर ओ ई था 13.3 2001 के अंदर, अब 2001 में जो प्रॉफिट मार्जिन इज 2.6, एसेट रिटर्न ओवर इज 2.3, अर्निंग मल्टीप्लायर इज 2.2, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। तो अब लेकिन आप देखें 2002 में क्या हुआ कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, अच्छा टोटल एसेट टर्न ओवर मोर लेस बराबर है और अर्निंग मल्टीप्लायर बढ़ गया। अच्छा, जब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो वही अर्निंग मल्टीप्लायर आपकी आर ओ ई में नेगेटिवली अफेक्ट किया, ये आप ये देख रहे हैं। जब आपका प्रॉफिट माइनस में चला गया तो अर्निंग मल्टीप्लायर उसी माइनस को मल्टीप्लाई कर देगा, अगर आपका प्रॉफिट प्लस में होता है तो अर्निंग मल्टीप्लायर उसी प्लस को मल्टीप्लाई कर देता है। तो एक्चुअली ये फोर्स मल्टीप्लायर है, लीवरेज है। तो आप यहाँ पे देखें कि 5.8 आपने बहुत सारा पैसा ले लिया था, बोरो किया था, आपकी डेट बढ़ गई, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो गया, नेगेटिव चला गया, तो वही प्रॉफिट आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो गया इन फॉर्म ऑफ -32। फिर आपने यहाँ डेट कम कर दी, प्रॉफिट प्लस हो गया। अगर यही डेट होती, फॉर एग्जांपल अगर यही 5.8 होता है तो यही जो आपका आरओई था 2003 के अंदर वो +32 हो सकता था। पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपने डेट कम कर दी तो वो आरओई 13% पर आ गया। दिस इज हाउ अर्निंग मल्टीप्लायर वर्क्स। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन इज द बिगिनिंग एंड देन इफिशेंटली इफिशेंसी उनकी ऑलमोस्ट बराबर है, और ईएम के थ्रू जो है ना वो आपका आरओई ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। एक्चुअली इट इज़ द फ्लक्चुएशन ऑफ ई एम जो कि आपका आर ओ ई को ले रहा है, दैट इज द यूज ऑफ डेट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन। क्लियर, समझ में आई बात? जी सर। सवाल है, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? तो ये चीज़ हमने शायद रह गई थी डिस्कस करना, तो विल तो अब जो है हम उसको देख लेते हैं केस को, एंड कैन विल डिस्कस अबाउट द केस, ठीक है ना। तो ये केस नजर आ रहा है आपको, केस विजिबल हुआ? नो सर। नहीं सर, नहीं नहीं अभी नहीं सर। ठीक है, तो जी चलें जल्दी जल्दी उसको डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट 2007 करंट क्विक रेशोज प्रोजेक्टेड, ये बी ए पार्ट हमने कर लिया। बी पार्ट इज कैलकुलेट 2017 करंट एंड क्विक रेशोज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, और ये आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन? 15, 16 और 17 की बता दें जी। करंट आर ए 2.58 और क्विक आर ए 0.93। इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है करंट रेशो, और कोई रेशो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। ओके, इन्वेंटरी बढ़ रही है लेकिन पहले से मतलब बढ़ा हुआ है, हायर है पिछले रिलेटिव रेशो से। अगर हम 15 और
पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन जो आप ये कह रही है ना, जो करंट और क्विक का जो डिफरेंस है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्विक और करंट में जो शायद एक फर्क है, रिसीवेबल्स नहीं होते ना, एक वो सारी इन्वेंट्री नहीं होती उसमें, तो इसका मतलब है कि जो आपका इन्वेंट्री जो है आपकी पाइल अप हो रही है, इसका मतलब ये हुआ। इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर सकती हैं। अच्छा, ये आपने कब की बताई? 2015 की बताई, किसकी बताई? सर 2017 की जो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, 17 की बताइए। और 15 से 17 तक का क्या दे देखा है आपने? सर 15 और 16 से पढ़ा है 17 में। 15 में 2.3 था, 16 में 1.5 और 17 में 2.58 करंट है, करंट रेशियो। ठीक है, तो यानी इनका इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, बाय द वे, इनके जो 17 के फिगर्स हैं, एस्टिमेशंस हैं, ठीक है ना, तो एक्चुअल नहीं है, तो मे बी वो समझ रहे हैं कि बेहतर हो रही है, यानी कि इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ओके, फिर आगे चलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर पे आ जाते हैं। चलें, 3.9 आ रही है। अच्छा, 2016 की गलत लिखी हुई मेरे हिसाब से तो। अच्छा, क्या वैसे बताते हैं कि इसमें जो है क्या एनालिसिस है आपका पिछली बार से अगर कंपेयर किया जाए? एंटी टर्नओवर कम है इनका, पिछली बार से भी कम है और इंडस्ट्री से भी कम है। ओके, इनको इफेक्टिवली काम करना चाहिए था, लेकिन इनएफिशिएंट हैं ये लोग, इफिशिएंट नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री जो है वो कर रहे हैं, बेसिकली इन्वेंट्री फंस रही है, ब्लॉक हो रही है, इसकी वजह से इनएफिशिएंसी है। और डे सेल्स भी बढ़ गई होगी इसी वजह से, 45 डेज से 45.5% आ रही है। और इंडस्ट्री का कितना है? 32। तो दैट मींस इनको ज्यादा फाइनेंसिंग चाहिए, क्योंकि इनका पैसा ब्लॉक हो रहा है। फिक्स एसेट टर्नओवर भी ऐसा ही है, 8.4 है सर। इंडस्ट्री में वो इंक्रीज हो रहा है। हां सर, एसेट इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है सर फिक्स एसेट रेशियो। अच्छा, यानी इंडस्ट्री से बेहतर है जी। इसकी क्या वजह हो सकती है? फिक्स एसेट की मैनेजमेंट अच्छी है इनकी। क्या वजह हो सकती है? एक्सपेंशन है सर। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन की वजह से बेहतर क्यों हो गई मैनेजमेंट? टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हुई होगी सर, जिस वजह से। ये फर्क हो सकता है कि वो जो एसेट्स हैं वो ज्यादा बेहतर, मोर एफिशिएंट एसेट्स हैं, सही ना, फिक्स एसेट्स ओनली। ठीक है, और आगे चलते हैं, और कौन सा रह गया? टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट में क्या है सर? तो वो बेसिकली टोटल एसेट का उसको सबको सम कर दिया, बिकॉज आपका फिक्स एसेट बेहतर है, लेकिन आपका करंट एसेट जो इन्वेंट्री वगैरह का वो जरा मसला आ रहा है, तो टोटल एसेट में उसका इफेक्ट आ रहा है। तो देयर इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कंपनी इज नॉट इफिशिएंटली रनिंग द बिजनेस, डिस्पाइट के उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और यानी कि कहने का मकसद इससे ये मालूम हो रहा है कि कंपनी जो है इफिशियंटली इस वजह से नहीं रन कर रही कि उसके ऑपरेशन इफिशियंट नहीं है, वो इस वजह से नहीं कर रही कि वो सेल नहीं कर पा रही, वो इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, जिसकी वजह से इनफिशियंसीज आ रही है। So it is more of a sales issue, marketing issues are rather than an operational issue. जो ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना? सर, इसी के बाद दो रेशियो हैं, इन दोनों का मुझे difference आपसे जानना था। अच्छा। एक debt ratio और एक liability to asset ratio, इन दोनों में क्या difference है? अच्छा, देखें, liability to asset ratio यानी debt to asset ratio, in other words. सर दोनों एक ही होने चाहिए ना, इसका मतलब? हाँ, दोनों एक होने, हाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क है। डेट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और लायबिलिटी टू एसेट वो टोटल डेट है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, ठीक है। तो डेट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आएगी? नहीं आएगी, हाँ, सिर्फ डेट जो है सिर्फ नॉन करंट शो करेगी, जो लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है ना, ये फर्क है। तो असल हम डेट देख रहे होते हैं, ये असल में ये जो दो तरह की डेट होती है ना, एक शॉर्ट टर्म वो होती है जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, और लॉन्ग टर्म जो आपका स्ट्रेटेजिक डेट होती है कि आपने जो है वो एक्सपेंशन के लिए पैसा लिया हुआ है। तो असल में डेट रेशो जो है वो यानी कि जो बिजनेस की फिलोसफी को जो ऑल्टर कर रहा होता है वो डेट कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट तो जारी बात है आपकी डे टू डे ऑपरेशन का होता है, इस वजह से हम जो है ना वो डेट रेशो को ही ज़्यादा ले रहे होते हैं, लेकिन आप दोनों को देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक टाइम इंटरेस्ट अर्न है, ये भी डिस्कस हो गया था, EBITDA कवरेज है, तो ये जरा बताएं इसको, इन चारों के बारे में जरा बताएं। 5.3 टाइम्स आ रहा है सर इसका रिजल्ट, डेट रेशो का, टाई का डेट रेशो तो आ गया 43%, 43.8%। और इंडस्ट्री का सर 32.2%, ज्यादा, हमारा वाला ज्यादा है। अच्छा, यानी कि
इसका मतलब यही है कि इसने जो है डेट ज्यादा ली है ना, वो तो हम एक्सपेंशन के वजह से जो है पिछली बार भी हमने डिस्कस कर लिया था, वो सारी एक्सपेंशन डेट बेस्ड थी, तो इस वजह से डेट बढ़ गई है। अच्छा, असल चीज जो अब डेट का जो मसला है ना, वो अच्छी है बुरी है वो समझ में आएगा टाइम इंटरेस्ट अर्न और EBITDA कवरेज। जी, ये जरा बताएं टाई क्या आ रहा है? 5.3 टाइम्स जी, 6.3 आ रहा है, 6.3 इंडस्ट्री का 6.2 मोर देन बराबर है, इंडस्ट्री का 6.2 आ रहा है, बराबर है तकरीबन। टाई इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, मेरा तो 5.3 आया था। जरा इसको देख ले अपने तौर पे, इसमें क्या, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ बस ये। अच्छा, ये EBITDA कवरेज का क्या आ रहा है? 5.5 और वो इंडस्ट्री 8.0। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। इन दोनों का रेशो को अगर आप कंबाइन करके बात करें तो क्या एनालिसिस करेंगे सर? इसमें हम लीज ऑब्लिगेशन ज्यादा है, फर्म की हायर लीज ऑब्लिगेशन है। गुड, जबरदस्त। तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की हुई है इन्होंने, यानी कि इन्होंने जो है डेट ले ली, और जब डेट ले ली और उसके बाद मजीद पैसे की जरूरत थी तो इन्होंने क्या किया, विंडो ड्रेसिंग एक तरह से की है। यानी वो कह लें कि भाई ऐसा किया है कि वो चीज डेट, यानी जो डेट इनके पास है असल डेट उससे कहीं ज्यादा है बेसिकली, आप ये कह लें, क्योंकि वो उन्होंने कुछ पैसा लीज की फॉर्म में भी लिया हुआ है। तो एक्चुअली अगर टोटल देखा जाए EBITDA से जो कवर हो रहा है तो वो एक्चुअली इंडस्ट्री से काफी नीचे है, यानी इंडस्ट्री से इतना अच्छा नहीं है। लेकिन टाई के अंदर पता नहीं चल रहा, तो अगर टाई को बेस बनाएंगे तो हम ये कहेंगे ठीक है, इंडस्ट्री जितना इंडस्ट्री का रिटर्न्स है उस इंटरेस्ट के हिसाब से सेफ है उतना ये भी है, लेकिन अगर हम एक ऑब्लिगेशन के हिसाब से देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं है। तो इस वजह से बहुत क्लियरली एविडेंट है कि इन्होंने ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की है, लीज वगैरह ली हुई होंगी, ठीक है ना, क्लियर? आगे चले जी सर, उसके बाद आता है प्रॉफिट मार्जिन 3.6 बेसिक अर्निंग पावर बराबर है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बराबर इंडस्ट्री एवरेज है, एस्टीमेशन है ना सर? हाँ, ये एस्टीमेशन है, एक्चुअली इन्होंने एस्टीमेशन में भी गड़बड़ की हुई है, ये आपको आगे जरा मालूम होगा। हां नीचे, हां बिल्कुल, एस्टीमेशन में नेगेटिव है ये लोग। हां तो ये इन्होंने जो है एस्टीमेशन में इन्होंने थोड़ा सा, अच्छा उसके बाद चले आगे चलते हैं, प्राइस टू अर्निंग वगैरह बताएं, ये बेहतर हो गया है? Do these ratio indicate that investors are expected to have a high or low opinion of the company? 4.8 है PE. PE कितना है? 4.8. इंडस्ट्री का 16.2 है. ये देखें ना आपका जी, तो यानी ये बहुत क्लियर बता रहा है, ये क्लासिक केस है कि इसका 4.8 है PE जबकि इंडस्ट्री का 16.2 है, तो ये क्लियर बता रहा है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आपके कंपनी पे नहीं रहा, क्योंकि प्राइस आपकी काफ़ी गिर चुकी है। अच्छा, अब अगर PE को कंपेयर करें 2017, 2016 और इन तीनों को तो क्या क्या आ रहा है सर? 9.7 था फर्स्ट में, अच्छा बाद में माइनस 6.3 से तो बढ़ गया, लॉस हो गया सेकंड में, ठीक है। थर्ड में एक्सपेक्टेड कम किया हमने, 4.8 रखा है, 4.8 ठीक है। तो ये भी एक्सपेक्टेड है, यानी कि ये भी उस केस के अंदर है कि जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव हो जाए, तो इसके अंदर भी अजम्पशन ये है कि आप अपनी चीजें बेहतर कर लेंगे, जो कि हाईली अनलाइकली लग रही है जो केस इसका है, क्योंकि खासतौर पर जब हमने फ्री कैश फ्लो को देखा था तो मुश्किल लग रहा था कि ये अपना रिकवर कर सकेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी पे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक आपका हो गया, चलिए जी कर लेते हैं। कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है, ये हमने शायद डिस्कस नहीं किया। कॉमन साइज का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर लें, तो वो हम इस तरह करते हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम जो है ना एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जो एसेट को ले लेते हैं, और सारे जो आइटम्स होते हैं, सॉरी मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, बैलेंस शीट जब होती है तो आप स्टैंडर्ड एसेट को ले लेते हैं और जो सारे आइटम होते हैं बैलेंस शीट के वो एज परसेंटेज ऑफ एसेट ले लेते हैं। तो इस तरह हम कॉमन साइज कर लेते हैं।
और इनकम स्टेटमेंट में जो है वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेल्स को ले लेते हैं और तमाम आइटम जो है ना वो एज परसेंटेज ऑफ सेल्स ले लेते हैं। इससे इससे क्या होता है, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी के साथ, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा है कि डू अ कॉमन साइज एनालिसिस एंड परसेंटेज चेंज एनालिसिस। परसेंटेज का चेंज का मतलब ये कि पिछली और इस बार की चेंजेस बता दें, तो ये दोनों से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी जो एक तो एक ओवर टाइम का क्या हुआ और दूसरा है कि यू कैन कंपेयर थ्रू कॉमन साइज। एग्जांपल मिल सकती है या कोई ऐसी केस स्टडी कॉमन साइज की? देखिए फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज करने का क्या फॉर्मेट किस तरह, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये जैसे आपने ये है इनकम स्टेटमेंट या ये बैलेंस शीट है ना। अब यहां पे टोटल एसेट्स आ रहे हैं 1468800, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो हर आइटम को इस टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम कैश को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9000 डिवाइड बाय 1468800, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 48600 डिवाइड बाय 1468, तो वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगी। यानी टोटल एसेट 1 होगा और बाकी जो है कोई 0.4 होगा, 0.2 होगा, परसेंटेज बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। हाँ, हर चीज को एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट ले लेंगे, ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा कि क्योंकि आपके टोटल एसेट स्टैंडर्डाइज हो गए ना, तो अब आपके कोई कंपनी बड़ी हो छोटी हो आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो टोटल एसेट है 1 पे आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से जो इनकम स्टेटमेंट है सेल्स, अब सेल्स जैसे 3.4 मिलियन है, इसको आपने 1 ले लिया, तो आपने तमाम लाइन आइटम जितने भी हैं उनको एज परसेंटेज ऑफ सेल ले लिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2.8 है, तो 2.8 डिवाइड बाय 3.4 इट्स अबाउट 60 to 70%, ठीक है। तो ये हर चीज को परसेंटेज ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं कॉमन साइज। इससे अगेन यू कैन कंपेयर, ठीक है ना, क्लियर जी सर। इसी तरह मतलब ये है कि हां, इसका मतलब ये है जो टोटल एसेट्स है उसके उसका डिवाइड कर देंगे जो हमारे ब्रेकअप है एसेट्स के, यानी कैश हो गया उसके परसेंटेज टोटल का, उसको हां उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट्स से, और इसी तरह से वो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज ऑफ एसेट आ जाएगा। इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट में ब्रेकअप को डिवाइड कर देंगे सेल्स से, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स आ जाएगा। थैंक यू सर, ठीक है। तो इसी तरह अच्छा इसके अलावा जो वो होता है चेंज के लिए क्या करते हैं, वो दोनों को आप चेंज देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैश के अंदर गया 9000 है, बाद में 7280 हो गया, तो चेंज के लिए क्या करेंगे, P1 - P0 / P0, तो P1 is 7234, P0 is 9000 divided by P0 which is 9000, तो it's a negative change of about I don't know 30% या 20% का change आया है, ठीक है। इस तरह से जो है ना आप जो है वो change निकाल सकते हैं। तो अच्छा फिर लास्ट जो हाँ एज जो है वो ये है extended DuPont equation to provide a summary and overview। तो ये आपने किया था अपने तौर पे? नहीं सर, हमने लव्स पढ़ते ही बोला, आपने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं किया। अच्छा, तो बहरहाल ये कर लें, ये जो है वैसे तो आपको अंदाजा हो गया चीजों का ना, लेकिन ये कि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी जो नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है इसकी वजह इसकी सोर्सेस क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे इस ड्यूपॉन्ट से आपको क्या अंदाजा होगा, व्हाट आर द फर्म्स मेजर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये आपको मालूम हो जाएगा जब आप डी क्लासिफाई करेंगे इसको ना, कौन से जो प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी के पॉजिटिव्स क्या है नेगेटिव्स क्या है। तो ये कर लीजिएगा अपने तौर पर, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा बस बाकी सारे कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चन हैं, जैसे व्हाट आर द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस। देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका कोई भी एक रेशो जो है अलग से कुछ नहीं बता रहा होता, ये बेसिकली कंबाइन फॉर्म में आता है। तो प्रॉब्लम्स में जो से इसको लगा देते हैं, तो सेल्स का प्रॉब्लम हुआ था, इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा आ रहा था, रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम हुआ था, इनका रिसीवेबल्स लेट आ रहा था। बाप नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम्स की जो बात है ना वो है रेशो एनालिसिस की। जैसे एक तो ये कि एक तो मैंने बताया इस प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो रेशो है वो एक खास फैक्टर से एक खास रेशो से आप कुछ नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल आप इन्वेंट्री टर्नओवर ले लेंगे, वो अच्छा या बुरा इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, डजंट टेल यू एनीथिंग जब तक आप सारे ओवरऑल लें। तो इसको बर्ड आई व्यू में ही आप किसी को अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अच्छा इसके अलावा क्या फास्ट रेशियोज भी होने चाहिए ना उसको करने के लिए, मैच करने के लिए। हाँ असल में रेशियो जो है, हाँ असल में रेशियो यानी कोई चीज अच्छी और बुरी नहीं होती, वो ये बता रही होती है कि प्रॉब्लम्स क्या। अब रेशो को हम ये नहीं देख कहते कि क्या कि कंपनी की अच्छी बुरी क्या है, बेसिकली हमारा फोकस रेशो में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कंपनी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो उसके लिए जो है ना, जब तक आप ओवरऑल बर्ड आई व्यू नहीं लेंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है, वो ये आ सकता है जब आप रेफरेंस रेशोस, क्योंकि आप किसी चीज़ को अच्छा और बुरा उस वक्त कह रहे हैं कि जब आप उसका रेफरेंस रेशो को देखेंगे। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री एवरेज से आप ज़्यादा हैं या कम हैं तो आप अच्छे हैं या बुरे हैं। इसमें आप ये अज्यूम करते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं इंडस्ट्री भी वही मोरलेस वही कर रही है, जबकि ये ऐसा नहीं है। साइज़ का इफेक्ट पड़ता है, जो अगर आपकी बड़ी फर्म होती है साइज़ यानी कि एम्पेरिकली ये देखा गया है कि कॉमन साइज कंपनीज ज़्यादा रिलेट करती हैं इवन इफ दे आर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, रादर दैन अनइक्वल साइज कंपनी इवन विद इन द सेम इंडस्ट्री। ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपकी 400 बिलियन की कंपनी है तो वो 400 बिलियन से ज़्यादा रिलेट करेगी इवन इफ इट्स विदाउट इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री, रादर देन अगर उसी इंडस्ट्री में एक छोटी कंपनी है 50 बिलियन की है, ठीक है, तो वो अलग होगी। तो इस वजह से जो है ना, ये जो रेशोस एवरेजेस हैं ये आपको बेंचमार्क सेट करने में जो है, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, इस यहाँ पे तो इंडस्ट्री एवरेज लिया हुआ था, लेकिन ये बेंचमार्क बड़ी केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये बेंचमार्क क्या है, ठीक है ना, ये देखना पड़ता है कि अगर आप कोई एक बेंचमार्क ले भी सकते हैं या नहीं, या यू कैन डिवाइस योर ओन बेंचमार्क्स। तो ये चीज़ है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका बेंचमार्क सही नहीं होगा तो आपके सारा एनालिसिस सही नहीं होगा। दूसरा ये कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स तो हमें पता चल गई, लिमिटेशंस कैसे आ गई फाइनेंशियल रेशोज में, थोड़ा बयान कर देंगे प्लीज। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ लिमिटेशंस में क्या है, जो प्रॉब्लम्स है वो लिमिटेशंस भी है ना, जैसे ये भी एक लिमिटेशन आ रही है। इसके अलावा एक लिमिटेशन सीजनल फैक्टर भी हो सकते हैं कि अगर आपका आपकी जो क्लोजिंग है अगर वो दिसंबर 31st है तो उस वक्त हो सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ और हो, आपकी अगर क्लोजिंग जून 30 तो हो रही है तो उसकी कंपनी के, तो बेसिकली सीजनल देखिए ना, बेसिकली रेशोज क्या हैं, बैलेंस शीट जो है वो एक्चुअल स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी तो डेली चेंज हो रही है ना, आपने किस पॉइंट में उसका स्नैप खींचा है, ठीक है। तो अगर आपने एक ऐसे वक्त पे स्नैपशॉट खींचा है कि जिस वक्त कंपनी जो है थोड़ी देर के लिए बेहतर हो गई है, वो सीजनल फैक्टर, तो वो सीजनल फैक्टर डिस्टॉर्ट करता है। और ख़ास तौर पे ये कि क्योंकि सीजनल फैक्टर रेपिटेटिव होते हैं, तो अगर आप जनवरी टू जनवरी कंपेयर करेंगे तो वो सीजनल फैक्टर ख़त्म नहीं होंगे। आप पॉइंट समझ में आ रहा है, तो सीजनल फैक्टर पे कॉन्फ्लिक्ट है। सीजनल फैक्टर तो नेट ऑफ होगा ना सर, एवरेज तो निकलेगी साल की, नेट इनकम के जरिए जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी, तो सीजनल फैक्टर तो खत्म हो गया। हाँ अच्छा ओके हाँ ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर वो सॉरी इनकम स्टेटमेंट का जो आइटम है वो क्योंकि पूरे रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर देखें ना पॉइंट इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल सेल्स एक आइटम है जैसे आपका, जिसके अंदर एक इनकम स्टेटमेंट का आ रहा है एक बैलेंस शीट का आ रहा है, ठीक है ना, नेट इनकम अपॉन इक्विटी है फॉर एग्जाम्पल आरओई है। अब आरओई के अंदर बैलेंस शीट का आइटम जो है इक्विटी का है और नेट इनकम का आइटम है नेट इनकम जो है वो टोटल पूरे साल का बता रहा है और इक्विटी का जो है वो एक पॉइंट की इक्विटी बता रही है। सपोजिटली इक्विटी डिस्टॉर्ट हो जाती है उस पॉइंट इन टाइम पे, तो क्या होगा कि आपका रेशो अल्टर हो जाएगा, हालांकि आपका नेट इनकम सही है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद वन इनकम बैलेंस शीट का, फिर इसका मतलब एवरेज निकाल लिया जाए सारी चीजों का। हाँ अच्छा दूसरा पॉइंट इसमें ये आएगा कि अगर एवरेज निकालेंगे लेट सपोज, तो उससे बहुत सारे फॉर्म स्पेसिफिक उस टाइम स्पेसिफिक फैक्टर तो बैलेंस आउट हो जाएंगे, लेकिन आप एवरेज अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप दिसंबर 31st को कंपेयर करेंगे पिछली दिसंबर 31st, तो अगर कोई सीजनल फैक्टर आ रहा है फॉर एग्जांपल दिसंबर को लेट सपोज ईद आती है, तो वो एवरेज भी डिस्टॉर्ट होगा, नहीं जिससे आप कंपेयर कर रहे होंगे वो भी डिस्टॉर्टेड होगा, जैसे क्रिसमस आती है तो इस वजह से वो इवन सॉल्यूशन ये हम आपको अप्रोच कर लेंगे, आप हमें रेशन एनालिसिस करा दीजिएगा। तो
तो ये मतलब सिर्फ इसमें मकसद ये है कि कुछ चीजें जो है ना सीजनल फैक्टर्स होती हैं, तो वो आपको हैंडल विद केयर करना पड़ता है। ये सारी चीजें पता चल जाती हैं जब आप मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करके बताते हैं, ठीक है ना। अगर आप कई कंपेयर करके देखेंगे तो आई गेस सीजनल वेरिएशन को अगर हम कैलकुलेट कर सकें और उसको उसमें से माइनस कर सकें तो फिर हम एक्चुअल कंपैरिजन कर सकते हैं। वो कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो वेरिएशन आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है परसेंटेज फॉर्म में ऑन एवरेज अगर आपको मालूम हो जाती है कि आपकी बैलेंस शीट और इनकम आइटम की रिलेशनशिप क्या है, तो यू कैन मॉडल एनी रेशो। तो खैर वो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि डिफरेंट रेशो की कॉम्बिनेशन से भी जो है ना अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखे जाएंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाती है चीज़ें ना। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। फिर एक फैक्टर ये हो सकता है विंडो ड्रेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर टेक्निक जो कि इनकम स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट को बायपास कर देती है। जैसे हमने कहा कि यूज ऑफ लीज और दूसरी फाइनेंसिंग, तो उससे क्या होता है कि आपकी बैलेंस शीट में कुछ नहीं आता, तो जिसकी वजह से जो भी रेशोज जिसके अंदर इनकम वर्सेज बैलेंस शीट होता है तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो इसको अभी तरीका है निकालने का, यानी हर चीज़ का जो है इलाज है बेसिकली। विंडो ड्रेसिंग का भी आपको ये देखना पड़ता है, और आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में एनालिस्ट जो है ना ये अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर रहे होते हैं ताकि जो है ना रेशो सही निकले, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा लिमिटेशन आ सकती है। इसके अलावा जो है अनसर्टेनिटी अगर, क्योंकि हम तो रेशनलाइज कर रहे हैं लेकिन अनसर्टेन है, कुछ भी चीजें चेंज हो सकती हैं। वो तो देखिए दुनिया में हर जगह है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो आप कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये तो जो भी आपकी फिगर्स आ रही हैं रेशो से, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो, पर उसमें सब्जेक्टिविटी है, उसके अंदर जो है आपके अपनी वैल्यू जजमेंट शामिल है, तो इस वजह से जो है दैट इज नॉट 100% ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी चीज़ आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी तो शामिल होती है, ठीक है ना। तो अगर ये अनसर्टेन नहीं होता तो जो रेशो कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये तो बिलियनियर्स होते हैं ना, ये तो अपना पैसा लगा के इसमें से निकाल लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन भी करते हैं तो वो भी गलत हो जाती है। तो इट्स वेरी अनसर्टेन, खासतौर पर ये इकॉनमी और कंपनी जो है उसमें इतने वेरिएबल्स होते हैं जो एक साथ एक्ट करते हैं, तो इट्स वेरी अनसर्टेन, ठीक है ना। वो अनसर्टेनिटी भी आपको, यानी कि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये देखना पड़ता है कि इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है या कम है बिजनेस के अंदर, ये सब चीज़ें इसके बाद ही कोई अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, सही ना। यानी कि ये एक आम बंदा भी कर रहा होता है ना भाई। आप देखें ना, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो इक्विटी मार्केट में आता है, लेकिन आप लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स इनकम में, क्यों करते हैं? अच्छा ये वो बंदा जिसको फाइनेंस आती है, ठीक है ना, ये वो बंदा नहीं करता जिसको फाइनेंस आती है। जिसको फाइनेंस नहीं भी आती वो भी ये काम कर रहा होता है, वो भी कर लेता है, ठीक है ना। तो वो भी ये देख रहा है ना कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इक्विटी का रिटर्न 30% आ रहा है, आप जो इंटरेस्ट रेट जो है 7-8% पे 10% पे जो है रखवा रहे होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि दे ऑल्सो नो कि इक्विटी का जो रिटर्न है दैट इज अनसर्टेन। तो वो आपकी पर रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है। इफ यू आर रिस्क टेकर देन यू गो फॉर द इक्विटी, एंड अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो आप जो है वो इनकम पे जाएंगे या इन द मिडिल जाएंगे कहीं ना कहीं। इसी तरह से जो आपका जो तो ये सारे जो इश्यूज हैं जिसके वजह से यू कैन नॉट से फॉर सर्टन के जो है कंपनी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है या वर्स परफॉर्म कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर बेसिकली नॉट कैप्चर्ड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वो क्या हो सकते हैं? वो कॉम्पिटिशन हो सकता है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, कस्टमर्स और सप्लायर्स यानी आपकी वैल्यू चेन हो सकती है, ठीक है। तो ये ओवरसीज ऑपरेशन हो सकते हैं, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो कि बैलेंस शीट में अफेक्ट नहीं करते लेकिन वैल्यूएशन में अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको एलोबरेट करने की ज़रूरत है तो मैं कर दूँ, वरना ये कि आई थिंक चीज़ समझ में आनी चाहिए कोई, अगर इसमें कोई इशू है। सर वैल्यूएशन यानी मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं? हाँ, मार्केट प्राइस की या फंडामेंटल वैल्यू की। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं आते लेकिन वो वैल्यू पे अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। अब आपका एयरलाइन का बिजनेस था, एकदम से वो कोविड आ गया तो क्या हुआ? अब कोविड इज नॉट बेसिकली बैलेंस शीट में कहीं आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन क्या हुआ कि आपकी डिस्टर्ब हो गया बिजनेस ना। तो इसी तरह से कोई कॉम्पिटिशन आ जाता है,
आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके पास एक चाइनीज कंपटीशन आ गया जो आधी कीमत पर चीज़ें बेच रहा है इंपोर्ट करके, तो क्या वो आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से लीगल एंड रेगुलेटरी, कोई आपका जो है लीगल या रिजीम या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका चेंज हो गया, नाउ यू हैव टू कंप्लाई विद मोर रेगुलेशन, अगेन आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। ओवरसीज कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपका सप्लायर के अंदर, वैल्यू चेन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, कस्टमर्स एटीट्यूड, ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है। क्लियर जी सर? तो ठीक है, तो दिस इज, ये हमने केस ऑलमोस्ट कर लिया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लेंगे हम, बस वरना भाई कि हमारा वो चैप्टर चल रहा था ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, देन वी विल मूव टू दैट चैप्टर। ठीक है, ओके नाउ तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हमने डिस्कस कर लिया था अनइवन कैश फ्लो स्ट्रीम्स को डिस्कस कर लिया था, हमने ये देखा था कि ये सवाल शायद हम कर रहे थे जिस पे हमने छोड़ा था। सर जो इनिशियल टाइम पीरियड के, जैसे कि स्टार्ट में हम पेमेंट करते हैं उसको एनईटी ड्यू बोलते हैं या एंड में करते हैं उसको एनईटी ड्यू बोलते हैं? ठीक है, हमेशा पेमेंट एंड में होती है, तो अगर स्टार्ट में होगी तो वो ड्यू कहलाएगी, तो जो चीज देखे ना एंड में ओरिजिनल कहलाएगी, तो जब जब चीज है पेमेंट एंड में होती है तो ओरिजिनल एनुइटी है, ठीक है, और जब वो स्टार्ट में होगी तो ड्यू कहलाएगी। ठीक है, ठीक, ये सवाल था, ये आपको विजिबल होगी, ये क्वेश्चन था हमारे पास ना, इसको कैसे इसका आंसर करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जरा सोचिएगा। सर 7.3 आया था इसका आंसर, पेमेंट क्या 7.3 अच्छा ऑकर्स इन एवरी 6 मंथ है सर, ये सेम क्वेश्चन है, कंडीशन अलग है। इसलिए सवाल क्या एनुइटी का है या क्या है, सवाल किस चीज का है, सवाल है क्या, पहले तो ये समझ लेना, ये लास्ट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है, व्हाट्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ थ्री ईयर $100 एनईटी, एनईटी है $100 इनिशियल पीरियड पे हम जमा करा रहे हैं, 10% का जो है उसका रेट है, कंपाउंड होगा सेमी एनुअली यानी कि डिवाइड बाय 2 और 3 ईयर्स के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। एफपीए निकालें जरा इसकी, जी एफपीए निकाल लें जरा जल्दी से, इससे एक्सेल पे निकाल लें, कोई मसला नहीं है। जी क्या निकला, प्लीज ये माइक ऑफ कर दें जिसका, जो म्यूट कर दें उसको। जी बताइए, निकाला आपने? सर एक मिनट सर, अरे जल्दी करें ना यार, फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं आता ना, एक्सेल पे देख लें, पीवीए का फॉर्मूला होगा, एफपीए का होगा, फॉर्मूला देख लें। अच्छा मैं आपको ऊपर भेज देता हूँ फॉर्मूला, ये हमने ये डिस्कस किए थे। एफपीए का ये फॉर्मूला है, पीवीए ये है, तो ये दो फॉर्मूले हैं ये आपका वन प्लस आई है ना? हाँ ये वाला कौन सा क्या? जी 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 ये नीचे आई है, ये भी आई है, हाँ वन प्लस आई है। और ब्रैकेट में सर आई
वन प्लस आई, यहाँ पे एन है ना, वन प्लस आई जो भी आएगा, आई आप डेसिमल में लेंगे, आई मल्टीप्लाई वन प्लस आई है। कहाँ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली आई मल्टीप्लाई का नीचे, ये तो आई खाली सर, लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी उसमें ये था कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है ये कोरिलेट नहीं कर रही, तो एनवीटी का फार्मूला लगेगा ही नहीं इस पे। आपका जो 6 पीरियड दिए में 5% जो था वो 5% इंटरेस्ट रेट जो 6 पीरियड का था। अब सवाल मेरा यही था, अगला सवाल ये था कि इसमें आप आई क्या लेंगे और एन क्या लेंगे और पीएमटी क्या लेंगे, तो सवाल ये था ना जी सर। तो कोरिलेट नहीं कर रही है सर, सर कोरिलेट नहीं करिए, परसेंटेज जो दीवे आपके इंटरेस्ट रेट की वो दीवे यानी कि 6 मंथ की, और उस परसेंटेज पे पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट जो हो रही है वो आपके 1 ईयर पे हो रही है, और जो रेट दिया हुआ है वो 6 मंथ पे दिया हुआ है। उसको हम क्या करेंगे इसके साथ, यानी प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही मैं कह रहा हूँ। देखें जो प्रॉब्लम क्या थी कि आपने फौरन जो है ना सवाल पढ़ा और आपने शुरू कर दिया, थोड़ा सा सवाल को अच्छी तरह देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बहरहाल सवाल जो था वो ये था, अब ये सवाल अगर ये देखें तो इसके अंदर जो है यू हैव अ कैश फ्लो ऑफ 100 एट ईयर 1 देन ईयर 2 देन ईयर 3, ठीक है। अब लेकिन दैट 100 इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो दैट मींस पीरियड 6 हो गए। अब सवाल ये है कि कैश फ्लो 3 है पीरियड 6 है, तो एक्चुअली ये एनुइटी भी ही नहीं है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एनुइटी नहीं है, एनुइटी का जो है वो क्या होता है कि वो इक्वल पेमेंट होती है। तो आपके पास टाइम जीरो पे जीरो आ रहा है, फिर 100 फिर जीरो फिर 100 फिर जीरो फिर 100, तो उसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन एनुइटी, इसका तरीका क्या होगा आप उसको अलग अलग करना पड़ेगा। टाइम ये जो 100 है ये 100 तो 100 ही रहेगा, ये जो टाइम 2 का 100 है ये दो पीरियड कंपाउंड होगा, ठीक है। ये कैसे दो पीरियड कंपाउंड होगा, वो ये लिखा हुआ है, ये 100 इंटू 1.05 रेज टू पावर 2, तो ये बन जाएगा 110, और ये वाला 100 जो है वो चार पीरियड कंपाउंड होगा, तो ये बन जाएगा, तो जो भी आया तो द टोटल अमाउंट इज 383.31.8, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्लियर है? तो ये इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एनी, पहले वाले में पावर 4 लग रही है, हाँ तो वो 2 लग रही है, ये कहना चाह रहे हैं जी। चार पीरियड है ना, आप 2 से 6 पे ले जाएं तो 2 से 1, 2, 3 और 4, चार पीरियड आगे गया है ना, 1, 2, 3, 4 सर 2 से 6 पे, अच्छा 2 को काउंट नहीं करेंगे, 3, 4, 5, 6 काउंट करेंगे। 2 पे तो है ना, आप 2 पे खड़े हुए हैं, आपको जहां मूव करना है वहां से 2 से 3 पे जाएंगे तो एक पीरियड काउंट होगा, ठीक है। ये 4 हो गए, 2 हो गए, ये 1 हो गए, ठीक हो गया सर, ठीक है। तो ये जो सवाल था वो एनवीटी का नहीं था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकते, हो सकता है ये तो 3 थे ना, अगर ये 30 होते तो ये अलग अलग करते आप, इसका एक शॉर्टकट भी है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनवीटी में, कोई बताएगा क्या, कैन यू कन्वर्ट दैट इनटू एन एनवीटी? सर सबसे पहले तो नंबर ऑफ जो है वो इयर्स 6 हो जाएंगे, यानी एन 6 हो जाएगा सर, एन फ्री रहेगा, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। हाँ क्या, कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे करेंगे? देखें एनवीटी को कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है ना आपको कैश फ्लो और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को बराबर करना है। इस वक्त कैश फ्लो फ्रीक्वेंसी इज एनुअली और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअली है, तो ये एनवीटी का सवाल नहीं है। एनवीटी को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को बराबर करना होगा, या तो आप कैश फ्लो को सेमी एनुअल कर दें या कंपाउंडेड को एनुअल कर दें। तो कैश फ्लो तो सेमी एनुअल हो नहीं सकता क्योंकि क्योंकि कैश फ्लो जो है वो तो आ रहा है एक टाइम पे आ रहा है, तो कोई ऐसा काम करें कि जिससे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को एनुअल कर दें, हो सकता है ये? मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं ना सर, 20% हो जाएगी सर, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाय 2.5 इंटरेस्ट रेट अभी भी है ही सेमी एनुअली ना, इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, 10% आ जाएगा एनुअली। नहीं अगर 10 को 20 करेंगे तो फिर वो फर्स्ट पीरियड को भी 20% काउंट करेगा। असल में ये ओरिजिनली क्या था, ये ओरिजिनली था 10% इंटरेस्ट रेट था, और क्योंकि सेमी एनुअली था तो हमने 5% पहले साल किया, 5% दूसरे साल किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट तो होता ही एनुअली है, ठीक है ना। तो आपने एक्सप्रेस ही 10% किया था ना, ये 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली था। अगर आप सवाल देखें
तो सवाल ये था, सवाल इस इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% था कंपाउंडेड सेमी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या किया कि 5% पर पीरियड ले लिया। तो जैसे मैंने बताया था जब भी आपको एनुअल को सेमी एनुअल डिवाइड करा तो करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, तो 10 डिवाइड बाय 2 किया तो आपके पास 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने किया। अब आप इसको क्या करेंगे, कैसे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को एनुअल बनाएंगे? किसी को आइडिया है? तो सारा आईडिया खराब होगा ना, एन को सिक्स कर रहे हैं वो भी नहीं मान रहे आप। नहीं मैं नहीं मान रहा, मैं कौन होता हूँ यार, मैं तो आपने मुझे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एन को अगर सिक्स करेंगे तो वो जो कंप्यूटर है या जो फॉर्मूला है वो ये समझेगा कि आपको 6 दफा 100 रुपीज मिल रहे हैं। अगर PVA के अंदर N6 डालेंगे, देखिए ना आप N6 करेंगे तो क्या करेंगे, आप N6 करेंगे तो आप PVA सर हार मानी। हार मानी, हार मान ली। अच्छा कोई सबने कर लिया, हार मान ली। तो यार आप तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 42 लोग हैं हैं, कोई कोई नहीं बता रहा। ये आपने थोड़ी सी स्लाइड अगर पढ़ ली होती ना, नेक्स्ट स्लाइड में यही लिखा हुआ था सर। एक और फॉर्मूला है बुक में फ्यूचर जी। हेलो, हाँ बोले बोले बोलिए बोलिए, अब मुझे आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, बताएं। एनीवेज चले, हेलो जी जी, हेलो आप लोगों क्लियर आ रही है? मुझे तो आ रही है क्लियर, फुल क्लियर आ रही है। हेलो हमारी, हेलो जरा दोबारा से देख लें, कनेक्ट कर लें जो भी है। आवाज आपकी क्लियर आ रही है मुझे। अच्छा मैं इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर दें EAR के थ्रू एनुअल। हमने पहले बताया था EAR इज यूज टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू एनुअल। ठीक है, तो आपने EAR निकाला, EAR जो है का फॉर्मूला ये था कि 10% डिवाइड बाई 2 raised to power 2, तो ये आ गया 10.25%। यानी कि ये शो हो रहा है कि 10.25% अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा दैट विल लीड द सेम रिटर्न एज 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अगर 10.25 होगा तो बस इसके बाद जो है फिर आपने जो है आई जो है वो 10.25 कर देना है और एनुअली पीएमटी के सवाल में डाल देना है। पीएमटी का जो क्वेश्चन है वो ये था, वो फार्मूला जो है अब ना ये फार्मूला था ना FVA का, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पीएमटी वुड बी 100, आई क्या जी 0.125 होगा, तो आई वुड बी 0.1025, एन क्या होगा, एन विल बी क्या होगा 3, और यहाँ पे भी पॉइंट, तो इसको सॉल्व करने देखें वही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। जी आंसर क्या आना चाहिए आपका, आंसर आना चाहिए 331.8, यही आ रहा है। क्या हो गया, जी बताएं, सो गए क्या? हेलो
सर सब सॉल्व कर रहे हैं इसलिए खामोश हैं। अच्छा जल्दी जल्दी करें यार, आप परेशान हो रहे हैं कि नेट डाउन हो गया। हाँ मैं अपने पास में सारे हथियार रखा करें लड़ने के लिए जब आते हैं ना सर, हथियार चल नहीं रहे हैं, बारिश हो रही है, हथियार काम नहीं कर रहे सर जी। अच्छा अच्छा हाँ, ये हमारी तरफ तो नहीं हो रही, आपकी तरफ हो रही होगी। तो अपना जो है ना कम से कम कैलकुलेटर रखे करें अपने साथ, और ये आप लैपटॉप में खोल लेंगे ना तो और अच्छा है, आपके पास साइट पे जो है ना वो एक्सेल वेक्सेल भी चल रहा होगा। बहरहाल कितना आ रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा नहीं होगी आपके, शहबाज शरीफ ने हमें लैपटॉप ही नहीं सर, दिया सर, वो जिनको दिए थे वो खराब हो गए आजकल है ना, मुश्किल में। ये क्या कह रहे हैं आप, फॉर्मूले का डिनोमिनेटर बताएगा सर, फॉर्मूले में क्या आता है, फॉर्मूले का डिनोमिनेटर। अच्छा ये फॉर्मूला है, आई आता है। ओके जी, कितना आ रहा है और ये देखें यहाँ से आपने जो है ना वेरीफाई भी कर लिया तो 331.80 आंसर है। तो ये जो है आपने खुद देख लिया कि इस ईआर के थ्रू अगर हम इसको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो आपका आंसर वही आएगा। सर तो इस तरह के सवाल जो है ना, अगर मैंने सही लिखा है सर, आला क्या जी मेरी स्क्रीन दिख रही है सर आपको, क्या कह रहे हैं, हेलो सर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, एक मिनट मैं एक मिनट देखता हूँ। हाँ दिख रही है सर, क्या मैंने लिखा है ये, हाँ हाँ ये 1.25, ये मुझे नहीं पता, ये तो मैंने लिखा हुआ था ना, आप देख लेना उसको फॉर्मूला को। बहरहाल फॉर्मूला गिवन है वो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर ये सही आ रहा है 331.8। अच्छा, जो है वो अच्छा सही सर, आंसर। मैं एक दफा फॉर्मूला रीड कर लेता हूँ, सिर्फ ये बता दीजिएगा करेक्ट है कि नहीं। 1 / i - 1 / i ((1+i) (close)(n) 1 / i - देखें ये मेरे ख्याल से नहीं है आपका फॉर्मूला, ये आपने जो लिखा है ये PVA का है, ये फॉर्मूला आपका ये वाला है सर। FVA का तो सिंपल है, 100 × (1+0.25)-(1)/0.25). ठीक है, तो हम ये FVA का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली थी ना। हाँ अगर PVA निकालते तब भी आता, तो PVA भी आप कर सकते हैं उसको 0.10.25 पर। हथियार से गलत उठाया हुआ था मैंने, असल में मसला ये होता है आपको जल्दी होती है लड़ने की, हथियार नहीं देखते, चले जाते हैं जान देने के लिए, हैं जान ही जाएगी ना। हाँ तो जिहाद ऐसे नहीं होता इमोशनल तरीके से, जिहाद के लिए दिमाग यूज करना पड़ता है। तो सर आउटसाइड फैक्टर्स भी तो इम्पैक्ट डालते हैं ना, आउटसाइड फैक्टर्स। हाँ लेकिन आपको हमेशा अपना दिमाग रेडी रखना पड़ता है, क्या लिखना क्या है, असल चीज ये होती है, ये कैलकुलेशन तो कोई इशू नहीं है ना। तो असल कैलकुलेशन बुला दिया। अच्छा तो बहरहाल हाँ ये है कि आउटसाइड फैक्टर्स हमने अभी भी देखा कि वो जो है ना अफेक्ट करते हैं और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल तो ये इस तरह से अब ये FC के थ्रू आप कर सकते हैं, ये इन्होंने ये किया है। तो यू कैन सी के आपका जो है आंसर वही आना चाहिए। आगे चलते हैं नाउ, लास्ट टॉपिक है इसका, वो है एमोर्टाइजेशन, लोन एमोर्टाइजेशन। एक्चुअली एमोर्टाइजेशन क्या होती है कोई बताएगा
डेप्रिसिएशन जैसे फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है, इसी तरह इंटेंजिबल एसेट के ऊपर अमोर्टाइजेशन लगती है। हां उसका अमोर्टाइजेशन, तो अकाउंटिंग की अमोर्टाइजेशन अलग है, ये जो कांसेप्ट है ये अलग है। वो अमोर्टाइजेशन वो अकाउंटिंग में होती है जिसमें आप इंटेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप ये समझें कि दो तरह के लोन होते हैं। एक लोन तो वो होता है कि जो आपको लमसम पेमेंट एंड में करनी पड़ती है और बीच में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और एक दूसरा लोन होता है वो ये होता है कि जैसे आपका ख़ास तौर पर ये लोन देखा जाता है कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर, जैसे कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है ना साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल भी पे कर रहे होते हैं, बजाय इसके एट द एंड लमसम पेमेंट करने के आप जो है इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी हर साल पे कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एट द एंड जो है आपका पेमेंट जो है वो लमसम बलून पेमेंट नहीं होती, यानी कि फिर एंड में आपका वैसे ही ख़त्म हो जाता है, यानी वो इंस्टॉलमेंट्स आप कह लें। जो जो भी चीज़ आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं तो एक्चुअली वो क्या हो रहा होता है, वो भी एक तरह से लोन है कि अगर आपने कोई 20,000 की चीज़ इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है तो एक्चुअली आपने 20,000 का लोन लिया है। अच्छा, जब आप लोन लेते हैं तो अगर एक साल का लोन है तो आपको एक साल के बाद 20,000 वापस करने होते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में ये होता है कि आप ये करते हैं कि अगर हर महीने जो है ना आपने कुछ पेमेंट आप दे रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो प्रिंसिपल है वो भी पे हो रहा होता है। तो इससे फर्क फ़ायदा ये होता है कि एक साल के एंड पर आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, तो जब आपकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म होती है तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। ठीक है, तो इसको इसको जो है इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो लोन अमोर्टाइजेशन जो है वो वाइडली यूज़ होता है कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर। तो और अगर आप कभी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इस लाइन से भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कभी भी कहीं भी आप जाएं फाइनेंसिंग कराने तो वो आपको एक चार्ट बना के देगा कि भाई आप जैसे गाड़ी खरीदने जाएं फाइनेंसिंग पर तो वो कहेगा कि इतना आप डाउन पेमेंट कर लें और इतना लेट सपोज आप 30,000 रुपये महीना देते रहें 4 या 5 साल तक, तो वो आपको पेमेंट बना। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में जो वर्किंग हो रही है वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा हमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो किस तरह से प्रिंसिपल पे हो रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ये है लो अमोर्टाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या है, लेट स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट एंड अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, यानी कि आप ये समझें कि आपके पास जो है एक बंदा आया, उसने कहा कि मुझे 1,000 की गाड़ी ख़रीदनी है, तो उसकी कीमत 1,000 है और उसको जो है ना हमें 3 पेमेंट इक्वल पेमेंट में उसके इंस्टॉलमेंट्स में उसको देनी है। तो आपको एक शेड्यूल बनाना है कि उस बंदे को आप क्या शेड्यूल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्लियर, यहाँ समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे चलें, एनी क्वेश्चन? जी सर। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका पीएमटी निकालेंगे। ठीक है, ये तो एफसी से किया है लेकिन आप उससे भी कर सकते हैं नॉर्मल कैलकुलेटर से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी में या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी के अंदर आप या एफ ई को रख लें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी के सवाल के अंदर एफ ई को 0 रख लें और पी एम टी को एक्स रख लें एंड फाइंड आउट करें तो पी एम टी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि आपको ये मालूम करना है कि हम कितनी पेमेंट दें। देखें ना, अगर इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि हाउ मच यू विल बी पेइंग एट द एंड ऑफ 3 इक्वल पेमेंट, के जिसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 1,000 के बराबर हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर 1,000 रुपीज़ हमने आज देते हैं तो वो कितनी पेमेंट होगी कि जिससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,000 के बराबर हो जाए। क्लियर, ये टाइम लाइन इस तरह बनेगी, बात समझ में आई? हाँ सर, टोटल लोन अमाउंट 1,000 हो जाए 3 इक्वल पेमेंट्स के अंदर 10% रेट के साथ। अब सवाल ये है कि हमें पहला तो वो निकालना है कि वो इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है। तो इंस्टॉलमेंट के लिए हमें हमें मालूम है कि अगर, यानी कि हम ये कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी को अगर फार्मूला यूज करें तो हम ये कहते हैं कि एक सीरीज ऑफ पेमेंट आपको रेगुलरली मिल रही है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगी, वो आप पीवीए के फार्मूले में लगा सकते हैं। इसी से आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एंड एनविटी मालूम हो तो कितनी पीएमटी आपको चाहिए, कितनी एनविटी मिलेगी, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिकली वो 6 नंबर स्लाइड पे जो फार्मूला था ये वाला, तो ये आप देखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का जो सवाल है। तो अगर आपके पास, हमें ये एक्चुअली मालूम हो रहा था पीवीए को, लेट सपोज आपके पास पीवीए मालूम हो विच इज 1,000, देन यू कैन कैलकुलेट, जैसे ये आपको मालूम है, आई भी मालूम है, एन भी मालूम है, तो ये चीज़ कैलकुलेट करके ये चीज़ इसके नीचे डिवाइड करके यू कैन फाइंड आउट द पीएमटी, पीएमटी इज द एनविटी। ठीक है, तो वो आपको मालूम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ये एफसी के थ्रू किया है लेकिन आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रखी,
10% है इंटरेस्ट है, ये भी हमने डिस्कस किया था, 10% इंटरेस्ट है यहाँ लिखा हुआ है, एनुअल रेट 10% है, तो वो आपने आई जो है 10% रख लिया, तीन पेमेंट्स पे तीन रख लिया, एफ वी जीरो रख ली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आप उसमें करेंगे तो उसमें एफ वी आएगा नहीं, लेकिन अगर कैलकुलेटर में करेंगे तो एफ वी जीरो रखना पड़ेगा, एंड देन कैलकुलेट द पी एम टी, तो वो आता है 402.11, ठीक है, तो 402.11 आर द पेमेंट। अच्छा अब ये चीज़ जो है आप वेरीफाई करें पी वी ए के फॉर्मूले में डाल के कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा, ज़रा ज़रा देख चेक करें ज़रा। सर फॉर्मूला प्लीज लगा दीजिएगा। अच्छा और बहुत बेहतरीन वासन है सर, फॉर्मूला पेपर में गिवन होगा वैसे? नहीं, ये आपको याद करना होगा, आप इतना सवाल करें कि आपको याद हो जाए इस फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका पीवीए का, मैं इसलिए आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस करते हैं, पेपर में लाएंगे तो बाहर निकाल दिया जाएगा। सर आप कह रहे थे एफसी भी अलाउ होना चाहिए पेपर में, तो जी क्या कह रहे हैं फॉर्मूले? सर आप बता रहे थे एफसी भी अलाउ होना चाहिए, फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी अलाउ होना चाहिए पेपर में। हाँ तो कर लेना, मैं तो अभी अलाउ करेंगे तो सबको अलाउ करेंगे। हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप अलाउ कर ले, मुझे तो इशू नहीं है, मैं पेपर पर एफसी के हिसाब से बनाऊंगा ना, फिर आपका फिर मैं ये अंडरस्टूड होगा कि भाई आपके पास सबसे एफसी है सर, बगैर एफसी के करते हैं, आप लोग डिस्कस करके बता दें, ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन था यहाँ पर मेरा। हाँ सही सही है सर, सर ये फ्यूचर वैल्यू जीरो इसलिए लिए क्योंकि इस प्रोसीजर में हमारे पास एंड के अंदर जो है वो जीरो लायबिलिटी हो जाती है। हाँ इस वजह से लिए, बिल्कुल, क्योंकि आपका कोई प्रिंसिपल पेमेंट नहीं है एंड। अच्छा ये जो सवाल है आप इसमें आप पीवीए के इस कॉन्टेक्स्ट में फिट करेंगे, अब इसमें पीवीए हो जाएगी 1000, ठीक है, पीएमटी आप एक्स हो जाएगी, यानी फाइंड आउट करेंगे 1/i, क्या होगा 0.1 है, अच्छा यहाँ पे भी 0.1 है, 1+0.1 यानी 1.1 रेस्ट पावर 3 इंटू 0.1, ये सब आप जब डिवाइड करके जो वैल्यू निकालेंगे इसको जो है पीवीए यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द पीएमटी, तो ये जरा कैलकुलेट करें कि कितनी आ रही है। सर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें 1/i है ना? हाँ। और माइनस 1/i आई है, ओके, ब्रैकेट के बाद फिर 1+ आई है, हाँ ओके ओके ठीक है, जरा करें करें उसको। चले जल्दी बताएं, क्लास भी एंड करनी है, जल्दी करें। जी जी बताइए कितना है कि क्या कहाँ रह गए। मुझे लगता है गेम शुरू करना पड़ेगा मुझे। हाँ बताएं कितना आ रहा है। फॉर्मूला मैंने कैलकुलेटर में रखा है उससे तो 2486 आ रहा है, गलत आ रहा है। तो गलत आया ना। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे क्या है, 1000 लिखें अपने पास पेपर में, लिखें 1000 इक्वल्स टू पीएमटी एक्स लिखें, अच्छा 1/i, 1/i मीन 1 डिवाइड बाय 0.1 माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, ब्रैकेट 1+0.1 रेज टू पावर 3, अब इसको सॉल्व कर लें।
जी भाई क्या हुआ? 402.11 गुड जबरदस्त यही आ रहा है। कहाँ चला गया? थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना, 402.11 ही आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्या आया, ये बेसिकली आपने क्या किया, एनी इन अदर वर्ड्स कि अगर आपको तीन साल तक 402.11 यानी टाइम वन पे, टाइम टू पे और टाइम थ्री पे मिलते रहे तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 1000 की इक्वल होगी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, और 10% पर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप जो है किसी को 1000 दे रहे हैं और आपको 10% इंटरेस्ट रखना है तो आप जो पेमेंट डिमांड इंस्टॉलमेंट्स डिमांड करें उससे वो करें 402.11। क्लियर, यहां तक समझ में आई? जी सर क्लियर है। क्लियर ठीक है, अब आप जो है ना ये आपको मालूम हो गया, अब इससे जो है ना आपके आपको बनाना है इंस्टॉलमेंट शेड्यूल। ठीक है कि आपके इंस्टॉलमेंट्स कितनी होगी, उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। हम डायरेक्ट शेड्यूल पर, अब इस शेड्यूल को देखें, आपने लिखा बिगिनिंग बैलेंस था 1000, आपने लोन लिया हुआ था 1000, ठीक है, आपने पेमेंट की 402.11 पहले साल। अच्छा, इस 402.11 में इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल कितना है, तो 1000 पे 10% कितना बनता है, 100। ठीक है, तो आपने जो 402.11 पे जो इंटरेस्ट पे किया वो 100 किया। ठीक है, तो टोटल आपने 402 का पे किया, उसमें से 100 इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 302। ठीक है, 302। तो दैट मीन्स कि आपने पहले साल जो है 100 रुपए इंटरेस्ट पे करने के बाद 302 जो है प्रिंसिपल पे किया, और जब आपने प्रिंसिपल पे किया तो ये 302 माइनस हो जाएगा 1000 से, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 698। तो पहले साल जो है आपका जो आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग बैलेंस बन गया वो 698 का बन गया। ये जो है 698 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग बैलेंस के फॉर्म में। ठीक है, अगेन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि यू स्टार्टेड विद योर बैलेंस ऑफ 698, पेमेंट आपने की 402, 698 का 10% कितना होता है, 69.8, 70 ऑलमोस्ट, तो उस 402 के अंदर जो इंटरेस्ट बनता है वो 70 बना है आपका। ठीक है, आप क्योंकि आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो रहा है तो इसका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, तो 70 बना है। तो दैट मींस के 70 आपने इंटरेस्ट पे किया तो बाकी आपने कितना प्रिंसिपल पे किया, 332। जब हमने 332 प्रिंसिपल पे कर दिया तो क्या हुआ, वो उसमें से माइनस हो गया, तो जो बचा एंडिंग बैलेंस वो बचा 366, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया 366 आपका बिगिनिंग के अंदर। नाउ अगेन पेमेंट की 402, इंटरेस्ट कितना बना, 37। जब आपने 37 इंटरेस्ट पे किया, 36.6 यानी, तो 37 इंटरेस्ट पे किया तो जो बच गया वो 366, तो आपने पे किया तो एंड में यू विल गेट अ जीरो बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल साथ साथ पे कर दिया इस 402 के अंदर ही। ठीक है, तो आप इसमें ये देखें कि जैसे जैसे ये ईयर प्रोसीड हो रहा होता है, इंटरेस्ट का पोर्शन जो है वो कम हो रहा होता है और प्रिंसिपल का पोर्शन बढ़ रहा होता है, और एट द एंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो रहा होता है, एट द एंड यू विल गेट द जीरो प्रिंसिपल लेफ्ट। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है? जी सर क्लियर है। तो दिस इज हाउ, अब ये इससे जो है ना आप ये बना सकते हैं शेड्यूल, यानी कि इसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। मतलब मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि यू कैन डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग इन ऑफ दिस, के लेट्स सपोज आप किसी बैंक में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, और वो आपको शेड्यूल बना के देता है कि भाई आपको इतनी पेमेंट करनी है और जो है इतना उसका इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट्स मालूम है तो आप जो है इससे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि उस इंस्टॉलमेंट में बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है यूजिंग दिस टेक्निक। क्लियर है? क्लियर है। इसी तरह से आप ये देखें, जी आपने लोन की दो टाइप बताई थी ना, ये तो दूसरी वाली टाइप थी जो प्रिंसिपल पेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट। दूसरी टाइप आपने क्या बताई थी? तो दूसरी टाइप वही है कि जिसके अंदर आप इंटरेस्ट पहले पे होता है और प्रिंसिपल एंड में पे होगा, तो वो दूसरी टाइप ये होती है कि 1000 रुपीज आपको एंड में यकमुश्त पे करने पड़ता है। यू विल बी जस्ट बीइंग पेइंग 100 रुपीज इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर, और एट द एंड आप 1000 रुपीज यकमुश्त जो है दे देंगे। तो ये नॉर्मल लोन होता है, अमोर्टाइजेशन यानी कि जो आप कंज्यूमर लोन होते हैं वो इस तरह अमोर्टाइज होते हैं। ठीक है, आपने कहा कि 10 लाख की गाड़ी है उसमें से 2 लाख एडवांस दे रहे हैं यानी डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जिस पे आप अमोर्टाइजेशन अप्लाई करेंगे वो 8 लाख पे करेंगे, तो जब आप 8 लाख पे करेंगे तो आपका पीएमटी जो होगा ना वो भी कम हो जाएगा।
यानी कि जब आप पीवीए डालेंगे तो उसके अंदर हम 10 लाख नहीं डालेंगे, हम उसमें 8 लाख डालेंगे। जब पीवीए 8 लाख डालेंगे तो पीएमटी भी कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपने बलून पेमेंट प्रिंसिपल के फॉर्म में शुरू में कर देते हैं तो उतना ही जो है आपका जो है वो होता है, यानी कि आपका एंड में आपको कम पे करना पड़ता है, यानी पेमेंट आपकी कम हो जाती है। ये क्लियर है सर? टोटल पीएमटी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे 1000 का जो हमारा लोन था उस पर टोटल पीएमटी हमें देखना हो कि कितना हम 3 इयर्स के बाद पे करेंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? भाई वो तो देखे ना, ये हमने निकाल लिया 402, ये हर साल आपको पे करना है, यानी कि ये आपको मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर हाँ तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे तो ये 1206 रुपए आएगा। तो यानी कि यू विल बी गेटिंग 102.6 रुपीस एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 102 इज इक्वल्स टू 1000 रुपीस। तो एक्चुअली आपको 1000 रुपीस ही वापस मिल रहे होंगे अलॉन्ग विद यानी उसमें उस इंटरेस्ट के साथ आपको बेसिकली। क्लियर बात समझ में आई? यानी कि 1206 में जो है आपका इंटरेस्ट भी शामिल है ना, ये 206 रुपए जो है ये एक्चुअली उसका इंटरेस्ट है। ठीक है ठीक है ओके। तो फिर ये है कि इसमें ये इसको ग्राफिकली बताया कि अगर इंटरेस्ट ओवर टाइम जो इंटरेस्ट कम होता रहता है और प्रिंसिपल बढ़ता रहता है, कॉन्स्टेंट पेमेंट डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस। ये वही अभी जो बात हुई थी पार्शियल एमोर्टाइजेशन, अगर आप थोड़ी सी पेमेंट पहले कर देंगे तो आपको जो है पीएमटी कम लगेगा आप पे। तो ये कैलकुलेट किया गया है, बहरहाल ये सब आप कर सकते हैं ना। ये वो बलून पेमेंट वाली बात है कि फाइनल यानी 10th ईयर में रिमेनिंग बैलेंस। तो ये आप सारे बैलेंसेस वगैरह को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस आपका 15,000 बच जाता है तो आप एंड में जो है आप 15,000 छोड़ दें, देन यू कैन कैलकुलेट। तो ये दैट ये आप अपने तौर पे जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एमोटाइजेशन तो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछ लें जरा। जी कोई सवाल? गुड, नहीं है ना सवाल कोई? नो सर, वो इतना खास नहीं है अभी। प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से जो कुछ क्लैरिटी होगी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप इसको। ये मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल है, ये वही स्प्रेडशीट मिनी केस है चैप्टर नंबर 4 का। वैसे तो इसके सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ये बता दूं कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जो है ना वो इस तरह के हैं कि जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे टाइम वैल्यू मनी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं तो वो उसमें